भाई आगे चलो भाई, सीधे चलते रहो। अरे आराम से, वो ना नहीं करना है दादा तो ना। अब तो मैं बच गया हूँ होपफुली, यस बच गया हूँ मैं, और मेरी बग्गी बच नहीं है। सुट्टे मार मार के घोड़ी के 12 बच जाएगी बेचारी। अगली बार कोई मुझे चढ़ नहीं देगी बग्गी पे। ये पर थोड़ी सी लग गई जरूर। आ गए सही जगह पे। अब क्या दादी, आपका घर आ गया, अब निकलो अपने घर। और ज्यादा पी ली हो तो चुपचाप सो जाना। My stop. How delightful. फिर से मैं कहूंगा कि ये मिशन बहुत फोकट लगा मुझे। क्या मीनिंग, इससे छोटी सी इंफॉर्मेशन चाहिए थी, उसके लिए हमें ये मिशन खेलना पड़ा। कि एक्चुअली इस कारण ये था कि इसको जिस जो देसी दारू, जो यूके की देसी दारू इसको पीनी थी, वो स्लम में ही मिलती थी। तो हमें स्लम में ही जाना था और वहीं वो दारू मिलती थी। तो उस दारू को पीने के बाद ही इसने वो इन्फॉर्मेशन दी कि हमारा अगला जो टारगेट है वो हमें मिलेगा कहाँ, और वो हमें मिलेगा वेस्टमिंस्टर में। जो इन्फॉर्मेशन हमें इससे मिली है, ठीक है। आयरन डेंट वैम्पम गॉन्टलेट, पता नहीं क्या था, मैं पढ़ नहीं पाया। 1000 pounds मिले हैं छोटू। ओके ये यहाँ बक बक चल रही है। तो नहीं स्टेल्थ किल करना है मुझे मैसेंजर को, तो ठीक है। मैसेंजर को स्टेल्थ किल करना कितनी बड़ी बात है। ये दिया और छुट्टी हो गई, चलते बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा है कि हमारा अगला मिशन हमें देखना है कि कहाँ है। थोड़ी नहीं, बहुत दूर है हमारा अगला मिशन, तो मैं मार्क कर लूँगा। इसमें एक चीज़ ये ऐड है कि पर्टिकुलर जो स्टोरी मिशंस हैं वो जनरली आप नॉर्मली हर मिशन खेल खेल के अपने लेवल, स्किल लेवल आप वहाँ तक नहीं पहुँचा सकते जितना कि आपको पर्टिकुलरली प्रोग्रेस करते हुए हर मिशन में ज़रूरत है बाय डिफ़ॉल्ट बने रहने की। थोड़ा सा शायद मुश्किल था ये समझाना, पर ऐसा ही है। कहने का मतलब कि अगर मुझे कोई सीक्वेंस 7 का जो कोई लेवल खेलना है, जैसे कि मैं करेंटली अभी खेल रहा हूँ, तो मुझे अगर मैं केवल पिछले मिशन मैंने सिर्फ केवल मिशन ही किया है और साइड क्वेस्ट नहीं किए, तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं सीक्वेंस 7 तक पहुँचते मेरी स्किल लेवल 9 तक पहुँचेगा ही नहीं। किस चीज़ की आवाज़ थी, है ऐसी चीज़ है जो कि आपको फोर्स करती है कि आप साइड क्वेस्ट खेलो। मुझे पर्टिकुलरली पर्सनली ये चीज़ पसंद नहीं आई, क्योंकि ये चीज़ आपको ऐसे नहीं ऐड करना चाहिए कि आपके मेन गेम प्ले को, मेन मिशन को अफेक्ट करे, क्योंकि यहाँ पे ये कर रही है। अगर मैं साइड क्वेस्ट अभी तक खेलता चलता तो मैं अभी तक मेरा स्किल लेवल 9 तक पहुँच गया होता, पर अब मैं यहाँ तक आया हूँ तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं ऊपर तक जाऊँ और एक बार व्यू ले लूँ पूरे सिटी का। तो बस छोटी सी बात, सबसे ऊँचा पॉइंट नहीं है पर फिर भी थोड़ा बहुत तो ऊँचा है। और जाकर थोड़ा सा कैमरा पैन करूँगा मैं, क्योंकि यही तो बात है, यही तो गेम है बाबू भैया। क्या बात है, व्यू। मैं सोच रहा हूँ यार कि ये Assassin's Creed Syndicate इतना ज़बरदस्त है, तो फिर अगले Assassin's Creed कैसे आने वाले हैं। मुझे बहुत 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 मैं वेट ही नहीं कर सकता, बहुत एक्साइटमेंट है मुझे। और एक चीज़ ये भी है कि Assassin's Creed अगला जो आएगा वो 2017 में ही आने वाला है, 16 में नहीं आएगा। तो शुरू करते हैं मोशन टू इम्पीच। पर शुरू कैसे करें, लेवल 7 तो हूँ मैं, ऊपर चढ़ना पड़ेगा। यस ये हुई ना बात। और रिवॉर्ड्स यार बहुत शानदार मिलने वाले हैं हमको। ब्लैक गार्ड सूट मिलेगा और लगभग 3500 के आसपास पाउंड्स हमें मिलेंगे, काफ़ी ठीक ठाक कमाई है। द बिग बेन घंटा घर, एज यूजुअल यू हैव टू सी इट एवरी टाइम। और फिर से वही गार्डन, यूनिक हिल अपॉर्चुनिटी मिनिस्टर, ठीक है। एक चीज तो ये रही, और स्टेल्थ किल्स, करप्ट पुलिसमैन, स्टेल्थ अपॉर्चुनिटी, ओके। हाँ, पॉलिटिशियन,
ये मिशन का ब्रीफ आ गया है हमारे लिए, ब्रीफिंग है मिशन की, आगे बढ़ने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें करने के लिए अवेलेबल हैं इस मिशन में। मैं डायरेक्टली मेरा जो मेन स्टोरी लाइन है पॉलिटिशियन को असैसिनेट कर सकता हूँ, मिशन कंप्लीट कर सकता हूँ, और साथ साथ मेरे पास मिनिस्टर को किल करने के लिए यूनिक किल अपॉर्चुनिटी है, करप्ट पुलिसमैन को स्टेल्थ किल अपॉर्चुनिटी मैं कर सकता हूँ। तो करप्ट पुलिसमैन और मिनिस्टर से शायद मुझे कुछ ब्रेकआउट मिले, ब्रेक थ्रू मिले, और कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं उनसे कलेक्ट कर सकता हूँ। पर सिर्फ मैं अभी ऐसा सोच रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं सोचा है और वो मिशन में हमें खेलने मिले। ठीक है, तो मैं चलता हूँ पहले यहाँ पे, मज़ेदार शानदार आ गए। और इतनी दूर से तो ईगल विजन काम नहीं करेगा क्योंकि उतनी रेंज ही नहीं है हमारी, और एक्चुअली सारे जो बंदे हैं अभी वो अंदर हैं। एक एंट्री पॉइंट यहाँ से भी तो है, ऊपर जाने की ज़रूरत ही क्या है, चलते हैं। तो ईगल विजन, ओ हाँ ये तो मुझे पता है ना यार, ठीक है वो स्नाइपर है पर वो मुझे देख नहीं सकती, दीवार के उस पार है। ये रहा बंदा, ओके पॉलिटिशियन लोकेट्स टारगेट, फॉलो हिम टू लॉर्ड ओके कार्डिगन, कार्डिगन ऑफिस, लॉर्ड कार्डिगन के ऑफिस तक ले जाना है, स्पीक टू द पॉलिटिशियन। जिस हिसाब से ये थंबनेल दिख रहा है मुझे लग रहा है कि सिर्फ उसे जाके उससे बात ही करनी है, मुझे लगता नहीं कि उसे किडनैप करना है पीछे से जाकर, पर मुझे बचना है इन जितने भी थग्स हैं उन सब से। ठीक है मैं चढ़ गया यहाँ, होपफुली कोई देख नहीं रहा मुझे, यस बिल्कुल नहीं देख रहा, और उस पर ब्लू मार्किंग्स हैं तो मुझे श्योर है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जा सकता हूँ वहाँ पर। फिर भी मैं इस यहाँ से उड़ कर जाऊँगा क्योंकि मुझे कोई चांस नहीं लेना है, मुझे कोई चांस नहीं लेना। चढ़ जा जेकब ऊपर, अरे तू तो आगे पहुंच गया, अबे अबे अबे, अबे लल्लू पंजू नकली, अब चढ़ा जाके ऊपर, ये वो भी तो वही है। ओके मैं चलता हूँ उधर, इसमें आप बैक जंप नहीं कर सकते जो मुझे सबसे गंदी चीज लगती है। पिछले असैसिन्स क्रीड के जितने भी वर्जन थे आप उसमें बैक जंप कर सकते थे, जैसे इसमें हम बैक जंप नहीं कर सकते, मुझे अगर पीछे की दीवार पे जाना है तो मैं नहीं जा सकता, कोई ऑप्शन ही नहीं है, कैमरा पैन हो जाएगा पर आप पीछे नहीं जा सकते। देखो आप, मैं पीछे नहीं जा सकता किसी भी हालत में। ओके नहीं नहीं नीचे नहीं नहीं, यस बहुत अच्छे, स्पीक पार्डन मी जेंटलमैन, पता नहीं कहाँ घुस गया मैं जाके। फॉलो, तो चलो मैं फॉलो कर रहा हूँ तुमको, come on, follow me sergeant but discreetly, oh shit ye moto mujhe sab se jana chahiye ki moto dekh leta mujhe, I'll be very discreet, nahi nahi nahi, abey we have an intruder, pehchan liya usne mujhe, pehchan ke liya usne dekh bhi liya mujhe, hopefully main sahi jagah hu, aur agar wo yahan aata hai to main chupta hu, aur मोटू अगर यहाँ तक आया है तो छुट्टी करूँगा प्रॉब्लम इसकी। मोटू आया क्या तू? नहीं आया मोटू, चलो पर यहाँ तो एक और मोटू है ना, मोटू नहीं आया तो क्या हुआ, मुझे तो मारना ही पड़ेगा इसको, नो चांस, ओ शिट, किसी को बोलना दे, ओ किसने देखा मुझे, किसने देखा, शिट 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 शिट, मोटू साले रुक गया, इसने किसी को अलर्ट नहीं किया, क्या पता है उसके तो परखच्चे उखाड़ दिए मेरे। ठीक है ये तो ये खुद ही डरने लगा यार, कैसे काम, अरे हट जाओ आगे निकलने दो मुझे यार, ये बंदे आगे निकलने नहीं दे रहे, मैं यहाँ कोई नहीं है सिर्फ ये दो लोग ही हैं, और अगर मुझे जाने दे तो मैं मारूँ इन दोनों को, डबल किल कर दूँ, डबल किल मसा आ गया छोटू, कुछ नहीं बिगाड़ेंगे हमारा, I surrender. मैं तो उसके सर पे गन पॉइंट भी नहीं दिखाया, उसने सरेंडर कर दिया, ये भी एक एंट्री पॉइंट था खैर। ओ नहीं 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 नहीं, एक्टर बुलाना मत, किसी को बुलाना मत, अरे बुला ही लिया,
कोई बात नहीं, अब मारना ही पड़ेगा। अरे इतने सारे लोग, ये लो। अबे इधर आ, ये लोग बुला ला नहीं बस किसी को। ये गया, एक और बम लो। लो आई, मजा आ गया। वोलेटिक बॉम्ब है मेरे पास, छुट्टी हो जाएंगी सबकी। इधर आ, अरे मारती है, मारती है दुष्ट पापी। इधर आ, ये तो सच में बहुत मार रहे हैं लोग। अब ये लास्ट चांस इसके पास था बचने का, पर मेडिसिन मैंने एक्वायर कर ली, नहीं तो मेरी छुट्टी हो गई थी बॉस, और मिशन फिर से खेलना पड़ता मुझे। फिलहाल के लिए तो इसकी गर्दन छील दी है मैंने, छील दी है। वो कहाँ गया भगोड़ा हमारा? इनको लूटूं, देखूं कि कोई वोलेटिक बॉम्ब इनके पास से मिलते हैं क्या। क्या अगर इनके पास वोलेटिक बॉम्ब होते सारे मेरे पे यूज करते ये लोग, इनके पास नहीं होगा वोलेटिक बॉम्ब। स्मोक बॉम्ब जरूर मिला है, इन्वेंट्री बढ़ी। ओ वोलेटिक बॉम्ब मिला, मिला मतलब मिल सकता है इनके पास भी वोलेटिक बॉम्ब मिल सकता है। वाओ अच्छी चीज़ है, शायद इसके पास भी हो। मोटो के पास नहीं, इसको लूट लिया हमने। चलो, इसने बोला तो था कि डिस्क्रीटली, ये बंदा है। अरे ये फिर घूम गया, ये फिर छोटू। अरे लो आ गए, कोई बात नहीं, लड़ता हूँ इनसे, मजा आएगी। ये गया, इधर आ तू। चला तो मैंने डिफेंस ब्रेक करके ही मारा आज। यार इसके मूव्स बहुत सॉलिड हैं, पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि खून और निकलना चाहिए, खून के जो शेड्स हैं वो और निकलने चाहिए, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। चल ना भाई, क्या हुआ? इसको बोलना पड़ता है कि चल चल चल। हाँ उसको धक्का दिया तब उसको समझ पड़ी कि हाँ हमको चलना है। खैर डोंट किल एनी पुलिसमैन तो हुआ नहीं, हमने पुलिसमैन एनी तो क्या, हमने तो भरमार भर भर के मारा है उनको, बोरिया बिस्तर भर के मारा है उनको। डू नॉट गेट डिटेक्टेड बाय द टारगेट। ओके असैसिनेट, ओके अंदर है, बिना डिटेक्ट हुए मुझे असैसिनेट करना है, तो फिर कैसे? वो तो कोई भी होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगी कोई हो। सर पर मैं आराम से इसे अनलॉक कर सकता हूँ। भगा दिया मैं, अब लॉक पिक करना पड़ेगा। पर मैं देख लूँ कोई आसपास दूसरा रास्ता है। ओए वो तो पुलिस पुलिस वाले खड़े, नहीं 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 वहाँ नहीं जाना मुझे। यहाँ से कोई रास्ता नहीं है। मैं अगर चीज़ें दी क्यों हुई हैं, मैं सोच रहा हूँ कि लॉक पिक करके अंदर घुस जाऊँ अगर तो कैसा रहेगा। Password, confessions of an English opium eater. Piss off. बका दिया यार, ठीक है। गया इसने प्रॉब्ली, हमें डिटेक्ट तो किया नहीं था। मैं भाग निकलता हूँ यहाँ क्योंकि कोई जरूरत नहीं है। अरे वाह क्या उसको मैं लेटाने जा रहा था साले को नीचे मारने के लिए। पर मुझे समझ में नहीं आया, मैंने नॉक करके मैं अनलॉक करके अंदर गया तो इसने क्यों मारा स्मोक बॉम्ब खुद ही मरने के लिए साला मूर्ख। टेम्पलर का इसने ताबीज पहना हुआ है, लॉकेट, टेम्पलर का लॉकेट पहन के घूम रहा है। मरते मरते भी कुछ नहीं बताया, अब इसका भी खून पहुंच गया डायपर से। पे 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 पे। अब भागना ही भागना है। ओ, क्या मारा है, जहां से अटका था वही मारा, सबको मार के निकलो। वाओ रनिंग में, रनिंग में थोड़ा सा इसको मारा, थोड़ा सा इसको मारा और फिर भाग निकल गया। जब मुझे पता पड़ा कि मैं मेरी चलेगी नहीं यहाँ, तो मैं सोचा क्यों ना बाहर निकला जाए, भागा जाए बाहर। चलो स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन बन जाओ। यस गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वो ये तो स्नाइपर है, इसको लेटा दूं फटाक। चल सो जा। अरे मुझे देख लिया, एस्केप द एरिया तो कर रहा हूँ मैं, और कितनी तेज भागूं यार। धना धन भगौड़ा हूँ मैं, भाग रहा हूँ। ये छोटी सी जगह और ये इस तरफ जाऊंगा मैं।
ऑन, ये बिग बेन घंटा घर, अब तो जाता हूँ इसके ऊपर ही चढ़ जाता हूँ और व्यू पॉइंट के मजे लेता हूँ। व्यू पॉइंट पे जाएंगे हम, 4 बज रही है। अदर कुछ है क्या माल वाल? यहाँ कोई माल नहीं है। चलो चलो ऊपर 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 चढ़ना है तुमका, ऊपर चढ़ना। हाय अभी और ऊपर जाना है जेकब, मुन्ना। Don't kill any policeman, escape the area. यहाँ से मैं जाके escape करूँगा, पहले आऊँ तो सही, यहाँ map जरा synchronize करूँ। हाँ नहीं, अभी भी ये सबसे ऊंचा टावर नहीं है। मुझे लग रहा है सबसे ऊंचा टावर जो मेरे सामने है वो है, पर फिर भी ये कोई कम ऊंचा नहीं है। और इस तरफ बिल्ली को फायदा, मैं जहाँ चाहे वहाँ कूद सकता हूँ, तो यूँ कूदूंगा मैं। हाय हाय मजे ला दिए, जबरदस्त। और अच्छी बात यह है किसी को खानो कान खबर नहीं होती है, तो छोटो छुट्टी हो गई छोटो की। मुझे एस्केप द एरिया करना है, तो मैं बग्गी उठाता हूँ और एस्केप द एरिया कर देता हूँ। फटाफट इस रेड जोन से मैं बाहर निकलता हूँ, क्योंकि मैंने मिशन तो कर लिया पूरा। ये हुई ना बात, मिशन हुआ पूरा, मोशन टू इम्पीच।